कैसे हो दोस्तों, क्या आपने भी एटलस ओएस इंस्टॉल किया है लेकिन उसमें ब्लूटूथ काम नहीं कर रहा है या प्रिंटर काम नहीं कर रहा है, कई लोगों में वाईफाई और एक्सबॉक्स गेम बार भी काम नहीं कर रहा है। तो अगर ये सारी दिक्कत आपके एटलस ओएस में आ रही है तो ये वीडियो आप जरूर देखिएगा, या इसके अलावा भी अगर कोई भी प्रॉब्लम आपके एटलस ओएस में आ रही है तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप अपने इस प्रॉब्लम को बिल्कुल आसानी से फिक्स कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए सीधे कॉन्टेंट पे आते हैं। सो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ सिस्टम ट्रे में कि आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लूटूथ का आइकॉन मेरा दिखा रहा है और ब्लूटूथ मेरा अच्छे से काम कर रहा है। और अगर मैं आपको डिवाइस मैनेजर में भी चल के दिखाता हूँ तो यहाँ पे भी आप ब्लूटूथ का देख सकते हो ड्राइवर। लेकिन जिन लोगों में ब्लूटूथ काम नहीं कर रहा है, ब्लूटूथ की प्रॉब्लम आ रही है, उन लोगों में डिवाइस मैनेजर में भी ब्लूटूथ शो नहीं कर रहा है और वहाँ सिस्टम ट्रे में भी आइकॉन नहीं शो कर रहा है। अगर आप ब्लूटूथ वाले ऑप्शन में चलते हो, जो सेटिंग है ब्लूटूथ की, यहाँ से अगर हम लोग सर्च करते हैं ब्लूटूथ की सेटिंग, तो इसमें अगर आप चलते हो तो यहाँ पे ऑन ऑफ़ करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। और यहाँ बस ये वाला ऑप्शन आ रहा है ऐड ब्लूटूथ और डिवाइसेस, इस पर अगर आप लोग क्लिक करते हो और यहाँ से जब ब्लूटूथ सेलेक्ट कर रहे हो तो यहाँ पे कुड नॉट कनेक्ट का मैसेज आ रहा है और ये सब चीज़ें लिखा हुआ आ रहा है। तो ये सब दिक्कत आ रही है जिन लोगों में ब्लूटूथ काम नहीं कर रहा है। तो इसके लिए करना क्या है दोस्तों आपको, कि ये जो एटलस ओएस नाम का फोल्डर जो देख रहे हो, ये डेस्कटॉप पे आपको ऑलरेडी मिलता है जब आप एटलस ओएस इंस्टॉल करते हो, तो इसमें चले आना है। इस फोल्डर में आने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि पहले ब्लूटूथ की बात कर लेते हैं फिर प्रिंटर वगैरह की बात करेंगे। आपको सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन पे जाना है। कॉन्फ़िगरेशन पे आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फीचर्स दिए हुए हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट इन लोगों ने डिसेबल कर दिया हुआ है, या इनेबल भी है तो इसमें लिखा हुआ है कि डिसेबल है कि इनेबल है। तो अगर ब्लूटूथ की प्रॉब्लम है आपको तो ब्लूटूथ वाले फोल्डर में आ जाना है और इसको खोल लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर दो फाइल आप देख रहे हो, एक फाइल आप देख रहे हो कि डिसेबल ब्लूटूथ लिखा हुआ है और ब्रैकेट में डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है, और नीचे वाला इनेबल ब्लूटूथ लिखा हुआ है। तो ये जो ब्रैकेट में डिफ़ॉल्ट लिखा है मतलब कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग इन्होंने किया है और क्या है, डिसेबल ब्लूटूथ का है, तो यानी बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने ब्लूटूथ डिसेबल कर दिया, तो आपको इनेबल करना होगा। तो इनेबल वाले पे हम लोग डबल क्लिक करेंगे और जो भी प्रोसेस होगा उसको होने देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि फिनिश्ड लिख दिया है, प्लीज़ रीबूट फॉर चेंजेस टू अप्लाई, तो आपको सिस्टम रीबूट करना होगा। इसको आप प्रेस एनी की टू कंटिन्यू बोल रहा है, तो आप कोई भी प्रेस स्पेस बार वगैरह कोई भी प्रेस की प्रेस कर सकते हो। और रिबूट करने के लिए बोल रहा है तो आपको सिस्टम रिबूट करना होगा। सो दोस्तों, सिस्टम हमारा रीस्टार्ट हो गया है और अभी भी अगर आप देखोगे तो आपका प्रॉब्लम जो होगा वो फिक्स नहीं हुआ होगा। अब आगे आपको क्या करना है कि फिर से इसी फोल्डर में आ जाना है और इस बार हम लोग चलना है दोस्तों जो इंस्टॉल ड्राइवर वाला फोल्डर है, इसमें इसको खोल लेंगे हम। और यहाँ पे सबसे नीचे स्नैपी ड्राइवर इंस्टॉलर जो दे रहा है इस पर आपको डबल क्लिक करना है। बेसिकली ये एक वेब पेज का लिंक है। तो एटलस ओएस में दोस्तों इंटरनेट एक्सप्लोरर ही इन लोगों ने दिया हुआ है, तो इसलिए ये जो पेज है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर में खुला है। अगर आपने गूगल क्रोम वगैरह या कुछ भी डाउनलोड किया तो आप उसमें भी खोल सकते हो उसको राइट क्लिक करके। तो इसमें हमें नीचे आ जाना है और यहाँ से हम लोग एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे, ये जो स्नैपी ड्राइवर इंस्टॉलर है इसको आपको डाउनलोड करना है। अब दोस्तों यहाँ से आपको सेव कर लेना है इसको, बहुत छोटा सा फाइल है ये, मुझे लगता है 6 MB के आसपास का, ये तुरंत आपको डाउनलोड हो जाएगा। सो दोस्तों फाइल हमारा डाउनलोड हो गया है और अब हम चलते हैं, इसको मैं कट कर देता हूँ डाउनलोड वाले फोल्डर में। तो यहाँ से दिस पीसी खुला हुआ है ऑलरेडी, यहाँ से हम लोग आ जाएंगे डाउनलोड वाले फोल्डर में। ये हमारा डाउनलोड फोल्डर है और यहाँ पर ये फाइल ये डाउनलोड हुआ है, तो ये जिप फाइल है, इसको पहले हम लोग अनजिप करेंगे। इस पर राइट क्लिक आप करिए और इसको एक्सट्रैक्ट कर लिए, एक्सट्रैक्ट ऑल हम लोग कर लेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर एक्सट्रैक्ट पर क्लिक कर देना है। तो उसी के नीचे ये जो हमारा फाइल है ये एक्सट्रैक्ट हो गया है, तो इसको खोलेंगे हम लोग। और अब दोस्तों आपको आ जाना है ये SDIO जो लिखा हुआ है X64, इस वाले पे आपको क्लिक कर देना है, डबल क्लिक हम लोग करेंगे। बेसिकली ये एक सॉफ्टवेयर है जो आपके ड्राइवर को इंस्टॉल करता है, यहाँ से एक्सेप्ट कर लेना है। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि चेकिंग फॉर अपडेट्स कर रहा है, अगर फायरवॉल आपका ऐसा ब्लॉक कर रहा है तो आपको यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है और ये भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद यहाँ से अलाउ एक्सेस कर देना है। अब यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है डाउनलोड इंडेक्सेस ओनली, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो ये सिर्फ जो इंडेक्स होंगे उसको डाउनलोड करेगा। यहाँ पे ऊपर आप देख रहे हो डाउनलोडिंग 20 MB का फाइल है। दोस्तों फाइल जब तक हमारा डाउनलोड हो रहा है तब तक मैं आपको कुछ और बताता हूँ। अगर इसी तरह से आपको प्रॉब्लम आ रही है अगर प्रिंटर में, तो प्रिंटर वाले के लिए आप क्या करोगे कि इसी फोल्डर में आओगे और इसी में कॉन्फ़िगरेशन वाले में चलना है। यहाँ पर आप नीचे आओगे तो देखोगे कि प्रिंटिंग दिया हुआ है, प्रिंटिंग पर हम लोग डबल क्लिक करके खोलेंगे। तो यहाँ पे आप बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे देख सकते हो डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है ब्रैकेट में और डिसेबल प्रिंटिंग लिखा हुआ है। तो प्रिंटर में भी अगर आपके प्रॉब्लम आ रही है तो आपको इनेबल करना होगा यहाँ से, और सेम प्रोसेस है इसी तरह से जिस भी चीज़ में दिक्कत आ रही है। यहाँ पे बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो
कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, गेम बार भी दिया हुआ है जो एक्सबॉक्स का गेम बार होता है उसी तरह से बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है, तो उस तरह से आप जो भी दिक्कत आ रही हो अपना इनेबल कर सकते हो या देख सकते हो कि इनेबल है कि डिसेबल है। उसके बाद जो प्रोसेस है वो भी प्रोसेस सेम है और उसके बाद का भी प्रोसेस सेम है। अब हमारा फाइल डाउनलोड हो गया है, अब हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, सबसे ऊपर वाला जो डाउनलोड हुआ है उस पर बस सिंगल क्लिक आप करोगे तो यहाँ पे जितना भी ड्राइवर अपडेट नहीं है आपके डिवाइस में ये सब दिखा रहा है, तो आपको सारा डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, जिस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है बस उसको डाउनलोड करना है। तो हम लोगों को ब्लूटूथ करना है अगर, तो यहाँ नीचे आएंगे और यहाँ पे आप देख रहे हो ब्लूटूथ का है, तो यहाँ पे ब्लूटूथ मैं सेलेक्ट कर लूँगा। इसी तरह से अगर आपके प्रिंटर का दिक्कत आ रही है या टचपैड यहाँ पे दिया हुआ है, टचपैड का दिक्कत आ रहा है, लेन से रिलेटेड दिक्कत आ रहा है, कुछ भी दिक्कत आ रहा है तो उसको सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर चेक मार्क कर देना है और यहाँ पर आपको ओके कर देना है। तो ये फाइल हमारा डाउनलोड होने लगेगा ड्राइवर जितने का हो, जैसे 68 MB का ड्राइवर है हमारा तो ये डाउनलोड होने लगेगा। अब दोस्तों फाइल हमारा डाउनलोड हो गया है और ये अपने आप इंस्टॉल कर लेगा, जो भी प्रोसेस होगा ये अपने आप कर लेगा। सारा प्रोसेस हो जाने के बाद दोस्तों इसको कट कर देना है आपको। कट करने के बाद चूंकि ड्राइवर अपडेट हुआ है तो आपको सिस्टम रीस्टार्ट करना होगा, तो हम लोग सिस्टम रीस्टार्ट करते हैं पहले। सो दोस्तों सिस्टम रीस्टार्ट होने के बाद जब आप सिस्टम ट्रे में जाओगे तो यहाँ पे आपको ब्लूटूथ का आइकॉन शो होने लगेगा, और इसी तरह से अगर आप सेटिंग में जाते हो ब्लूटूथ के तो यहाँ पे ऑन ऑफ करने का ऑप्शन दे देगा, तो अब आप आराम से अपने लैपटॉप और पीसी पे ब्लूटूथ यूज कर सकते हो। इस फोल्डर में दोस्तों और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो एक बार मैं ये कहूँगा कि अगर आपने एटलस ओएस इंस्टॉल किया है तो आप एक बार इस फोल्डर को अच्छे से चेक कर लो। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने ब्लूटूथ को, प्रिंटर को या और भी जो भी दिक्कत आ रही है उसको फिक्स कर सकते हैं। अगर वीडियो से कुछ भी आपको हेल्प मिला हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कुछ ना कुछ कमेंट जरूर करिएगा जो भी आपका दिल करे। और अगर कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसी चीज़ों में इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिएगा ताकि जो मैं अगला वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक चला जाए। ऑल राइट फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज आनंद वर्धमान साइनिंग आउट।